टू सेकेंड ईयर साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर की शेप क्या होती है,
क्वाइल मूव करेगा, ठीक है। और क्वाइल उस वक्त तक मूव करता रहता है जब तक क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक और टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब करंट को स्टॉप कर देगा। जब तक करंट प्रोड्यूस होगा ये क्वाइल मूव करता रहेगा, और कौन सा टॉर्क मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे ही करंट जीरो हो जाता है, करंट को रोक देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इसमें एक और क्वाइल प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। वो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, एग्जाम्पल ऐसे लो कि एक पत्थर लो, 80 से बांधो, उसको घुमाते हैं तो क्या होगा, 80 में बल आ जाएंगे। हमने कहा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, ठीक है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्वाइल ये मूव कर रहा है, ठीक है, वो रस्सी मूव कर रही है। जैसे ही हम अपने हाथ को रोक देंगे तो जो रस्सी है वो नहीं रुकेगी, अब वो मूव करेगी। पहले वो अगर सपोज करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, तो जैसे ही हम अपने हाथ की मूवमेंट रोकेंगे तो एंटी क्लॉक में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगी, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब वो रस्सी मूव करेगी तो क्या होगा, उसमें जितने भी बल आए होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्वाइल मूव करता है, और जैसे ही करंट स्टॉप हो जाता है, करंट जीरो हो जाएगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो क्या करेगा, क्वाइल को रिस्टोर करेगा, यानी उसकी ओरिजिनल शेप पे वापस ले जाएगा, मूव करेगा। सपोज पहले अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, मूव करवाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्वाइल, तो रिस्टोरिंग की वजह से जब करंट जीरो हो जाएगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से क्या होगा, क्वाइल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका क्या था प्रिंसिपल, ठीक है। इसी चीज को हम पॉइंट्स में लिखेंगे, इसकी वर्किंग बन जाती है। अच्छा, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल होते हैं। बैलेंस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये क्या है, टॉर्क का साइन है, इससे शो करते हैं हम टॉर्क से, क्या है, यहाँ मैंने लगा दिया है डी, तो ये क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, उस वक्त बैलेंस कंडीशन होती है जब रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होता है बी आई एन ए कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब ये क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये बी क्या है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, एन क्या है नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर और कॉइल, ठीक है, और अल्फा क्या है एंगल जो कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो एंगल जो मन में उससे शो कर रहे हैं हम अल्फा से। फिर हमारे पास क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होता है सी थीटा के, इसके इक्वल है सी थीटा, सी यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, अभी हम देखेंगे ये क्या है, और थीटा क्या है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा क्या है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो बैलेंस कंडीशन जब हमारे पास होती है तो ये दोनों टॉर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, तुम लोगों को करना क्या है, ये डायग्राम नजर आ रही है, डायग्राम शेयर करनी है और बाद में तुम लोगों को, ठीक है, ये नोट्स में लिखी थी। मैंने पहले इसको अलग कर दिया, ठीक है।
कनेक्शन, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये कॉइल से जो हम करंट पास करते हैं, ठीक है, फिर कॉइल टर्न करेगा, मूव करेगा, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो बनेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और करंट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को बढ़ाते जाएंगे तो हमें करंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट को कम करेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, सी क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, सी क्या है, ए सी इज रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन, सी क्या है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन, ये जो सी है, ठीक है, ये है कपल पर यूनिट ट्विस्ट सी क्या है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। आई क्या था, बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, और ये सी क्या है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट। और फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई क्या है, करंट, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज कि ये जो एंगल है, ठीक है ना, अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा शेयर शो क्या कर रहा है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है, कॉइल का एंगल जो है, अब इसमें क्या करते हैं, ये अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अगर अल्फा जीरो होगा तो कॉस ऑफ जीरो क्या होगा, है वन। अब अल्फा जीरो हम क्यों रखेंगे, ए इन अ रेडियल फील्ड द प्लेन ऑफ अ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है, जब रेडियल फील्ड होती है, जब हमारे पास, ठीक है, रेडियल रिक्वायर्ड क्या, तो रिक्वायर्ड फील्ड के लिए क्या होता है, प्लेन ऑफ कॉइल और फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अल्फा क्या शो कर रहा है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो अल्फा जीरो रखेंगे, कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एग्जाम में आगे दिए थे प्रूव करने के लिए। फिर एक और चीज है सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी क्या है, शो करेंगे कैसे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये इक्वल होती है आई डिवाइडेड बाय थीटा, ये इक्वल होती है आई डिवाइडेड बाय थीटा। करंट हम इसमें लेंगे माइक्रो एम्पीयर में, सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट इसमें लेंगे हम माइक्रो एम्पीयर में सेंसिटिविटी के लिए, और थीटा हम लेंगे मिली डिविजन्स, लेंगे हम मिली डिविजन्स, थीटा हम लेंगे, और सॉरी मिली डिविजन से मिलीमीटर, थीटा हम लेंगे मिलीमीटर, या फिर हम लेंगे डिविजन से, ठीक है, थीटा हम लेंगे किसमें, मिलीमीटर में या फिर डिविजन से। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है, रेशियो बिटवीन करंट एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सेंसिटिविटी I डिवाइडेड बाय थीटा। अब इसके लिए इनकी कंडीशन क्या है, ये करंट शुड बी इन माइक्रो एम्पीयर एंड थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शुड बी इन मिलीमीटर और डिवीजन, या तो मिलीमीटर में लेंगे या हम थीटा को किस में लेंगे, डिवीजंस में लेंगे। ये क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड करती है किस पे, करंट डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर अब हम मैं क्या करूं, अभी हम सिर्फ सेंसिटिविटी को देख रहे हैं, यहां से देखते हैं, अगर हम
थीटा, ये इक्वेशन है। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू आई डिवाइडेड बाय थीटा की, आई ये रहा, ठीक है, आई को हम यहाँ रख देंगे, थीटा को मैंने शिफ्ट कर दिया, सी अपनी जगह आई, मुझे आई डिवाइडेड बाय थीटा चाहिए था तो मैंने आई को यहाँ रहने दिया, ठीक है, यहाँ से थीटा को शिफ्ट कर दिया, थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा सी। फिर इसके बाद क्या किया कि आई के अलावा, ठीक है, सिर्फ आई यहाँ पर रहेगा, बाकी सारी चीजें उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ मल्टीप्लाई हो गई है, वहां जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड, इसी से शिफ्ट करेंगे बी, बी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा, इन सब को हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या है सेंसिटिविटी, किसके इक्वल आ जाएगी, सेंसिटिविटी डिवाइड इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय थीटा। अगर हमें सेंसिटिविटी के फैक्टर्स चाहिए, ठीक है ना, फैक्टर मींस कि मुझे मैंने कहा भाई मुझे बताओ किस वक्त सेंसिटिविटी क्या है इंक्रीज हो रही है और किस वक्त क्या है सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर्स हम यहाँ से निकालेंगे। मैंने कहा भाई ये था सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इक्वल है आई डिवाइडेड बाय थीटा के, तो ये क्या शो कर रहा है करंट और सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन थीटा के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसके फैक्टर्स पे आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स हैं, इसमें ये क्या है सी क्या है कपल पर यूनिट ट्विस्ट, सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, क्या है कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट मींस क्या है कि जब हम कॉइल से करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कॉइल मूव करता है, जब करंट स्टॉप हो जाता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो खत्म हो जाएगा लेकिन एक और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क जिसकी वजह से कॉइल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा जब कॉइल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जैसे जैसे मूव करेगा तो जैसे मैंने कहा एक रस्सी लो और उसको हाथ उसको एक एंड पे क्या करो कोई भी ना पत्थर कोई लकड़ी कोई भी हैवी चीज बांध दो और एक उसका एंड अपने हाथ में रखो उसको घुमाते जाओ, जब हम घुमाते जाएंगे तो क्या होगा उस रस्सी में डोरी में बल आते जाएंगे, वो क्या है बल आते जाएंगे, फिर हम हाथ को रोक देंगे तो अब वो बल खुलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो जो डोरी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। कपल पर यूनिट ट्विस्ट क्या है कि जैसे जैसे वो मूव कर रहा है उसमें बल आएंगे वो ट्विस्ट आते जा। अब कपल क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव रहा है उसमें बल आ रहा है, तो सी क्या है कपल पर यूनिट ट्विस्ट, बी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सेंसिटिविटी का इससे रिलेशन क्या बनता है, ठीक है, ये एस है, यहां पर मैं एस रख दूं, ये पूरी चीज क्या है एस, यहां मैंने एस रख दिया, इट मींस ये एस एन कपल पर यूनिट ट्विस्ट यानी सी एंड एस सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एंड सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, सेंसिटिविटी किसके इक्वल है आई अपॉन थीटा के। अच्छा इसको जरा मैं अगली इक्वेशन में करती हूं, एक और आई डिवाइडेड बाय थीटा, मुझे पता है आई डिवाइडेड बाय थीटा यहां देखो किसके इक्वल है एस के, तो मैंने क्या किया आई डिवाइडेड बाय थीटा की जगह रख दिया एस और ये वाली चीज वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहां से हम निकालेंगे सेंसिटिविटी के फैक्टर्स, रटे नहीं लगाते चीजों के, हम चीजों को कैसे याद करेंगे इनकी इक्वेशन से, इक्वेशन से हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यूनिट भी बता सकते हैं, इसी तरह से हम फैक्टर्स उनके रिलेशंस भी बता सकते हैं, फैक्टर्स का मतलब हम रिलेशन बता, ठीक है, अब रिलेशन यहाँ पे क्या है एस क्या है सेंसिटिविटी, सी क्या है कपल पर यूनिट ट्विस्ट, इट मींस कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है इट मींस वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी, वी विल इंक्रीज द कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ, ठीक है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ कॉइल हम उसको इंक्रीज करेंगे, अगर हमें सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना है तो सी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। अब सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं कर रही, अब बी फैक्टर्स पर भी सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है, बी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो सेंसिटिविटी ऊपर है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इट मींस सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, इसी तरह से
सेंसिटिविटी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सेंसिटिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर आर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इन तीनों में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. कि अगर हमें सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो हम सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसके साथ साथ बी एंड ए इनको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. तो सी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. अगर सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बी एंड ए इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. क्यों, ये सेंसिटिविटी और बी एंड ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी के. तो सेंसिटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, सी यानी कपल पर यूनिट ट्विस्ट, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर और वायर. ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे सेंसिटिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है. तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है. गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव डिवाइस है जिसका काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना और टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. करंट को अगर ये मेजर करेगा तो स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ये मेजर कर सकता है. अब बड़ा अमाउंट सपोज करेगा, मुझे 2 एम्पियर करवाना है मेजर, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो 10 एम्पियर तक का करंट भी मेजर नहीं कर सकता. तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करवाना है तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. गैल्वेनोमीटर क्या था, सेंसिटिव डिवाइस. अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर. गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में. पहले हम देख लेते हैं एमीटर, ठीक है. गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में. क्यों, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसका काम सिर्फ क्या है, एक करंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना. अच्छा, अब क्या है कि मैंने कहा सपोज ये है मेरे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है. अब इस गैल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ इसमें एमीटर में. पहले हम गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं. गैल्वेनोमीटर में इसकी रेजिस्टेंस को शो करेंगे हम आरजी से. आरजी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. इसी तरह से गैल्वेनोमीटर के करंट को हम शो करेंगे आईजी से, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर. और गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज को हम शो करेंगे वीजी से, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब अगर हमें गैल्वेनोमीटर से हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करवाना है तो गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे. गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टर. रेजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को स्टॉप करना या डिक्रीज कर देना. और गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टर लगा होता है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है. एक बड़ी अमाउंट, बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर लगा होता है. तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर से हम सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं, हैवी अमाउंट ऑफ करंट हम इससे मेजर नहीं कर सकते. तो इसको मेजर करने के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि अब हम गैल्वेनोमीटर में क्या बताया है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. अब हम वैल्यू क्या करेंगे, लो वैल्यू रेजिस्टर. पहली कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है देन वी विल गेट लो वैल्यू रेजिस्टर एंड लो वैल्यू रेजिस्टर विल बी जॉइंड पैरेलल, ठीक है, विल बी जॉइंड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर. क्या करेंगे, अब हम लेंगे लो वैल्यू रेजिस्टर और लो वैल्यू रेजिस्टर को हम लगा देंगे कैसे, पैरेलल. लो वैल्यू रेजिस्टर क्यों लगाएंगे, देखो रीजन क्या है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें गैल्वेनोमीटर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है. और हमें क्या पता है कि रेजिस्टर वो चीज़ होती है जो करंट को या तो बिल्कुल ही जीरो कर देता है या उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है. तो अब हम क्या करेंगे, लो वैल्यू रेजिस्टर लेंगे, कम से कम वैल्यू रेजिस्टर की लेंगे जिससे कि वैल्यू जितनी कम होगी उतना उसमें से करंट पास होगा, ज़्यादा पहली कंडीशन क्या कि हमने लो वैल्यू रजिस्टर लिया फिर हमने उसको पैरेलल लगा दिया. पैरेलल क्यों लगाया कि जब मैंने लोगों को पढ़ाए थे कॉम्बिनेशन
एमीटर। अब जब हम करंट डेनल पे पास कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो डेनल पे जब करंट हम पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पीयर को पास करने देगा करंट को, बाकी 9 एम्पीयर कहां से पास हो जाएगा, शंट से। शंट से क्यों पास होगा, एक शंट एक तो लो वैल्यू रेजिस्टर है, दूसरा पैरेलल में लगा है, और हमें क्या पता है कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हर हर रेजिस्टर से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। ये डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है तो वो करंट कम पास करेगा, अगर रेजिस्टर की वैल्यू कम है तो वो ज्यादा करंट पास करेगा। यहाँ हम कम वैल्यू वाले रेजिस्टर लेंगे जिसे शंट कहते हैं, तो ये 9 एम्पीयर करंट यहाँ से पास होगा, 1 एम्पीयर यहाँ से पास होगा, ठीक है। कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में तो हम क्या करते हैं, ये लो वैल्यू रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये तो इसकी थ्योरी थी, अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। एमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जिसका काम क्या है, करंट की हाई वैल्यूज को मेजर करना, ठीक है। रेजिस्टर करंट ये क्या है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, लो वैल्यू रेजिस्टर, इसको शंट कहते हैं। तो शंट का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आई एस। शंट का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वी एस। अच्छा, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बैलेंस होगा और रीडिंग दे रहा है, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि वी एस और बी जी इक्वल होता है, वी एस इक्वल टू बी जी, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में शो करता है वी एस क्या है, कि वोल्टेज शंट का जो वोल्टेज है वो क्या है, वी एस। बी जी क्या है, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। और हमें क्या पता है बी किसके इक्वल होता है, बी इक्वल होता है आई आर के। ये तो बेसिक इक्वेशन है, वी एस है तो क्या हो जाएगा, आई एस आर एस। ये बी जी है तो क्या हो जाएगा, आई जी आर जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने कहा टोटल करंट क्या था, 10 था। अब जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है वो क्या है, 1 एम्पीयर, और जो शंट से पास हो रहा है वो कितना है, 9 एम्पीयर, ठीक है ना। सपोज एग्जांपल मैंने दी कि टोटल करंट कितना था, 10 एम्पीयर। जब ये एमीटर से पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, 1 एम्पीयर। रिमेनिंग 9 एम्पीयर कहां से पास होगा, शंट से। अगर मैं कहूँ टोटल करंट, अगर यहाँ हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, आई एस प्लस आई जी। टोटल करंट किसके इक्वल है, आई एस प्लस आई जी। ये आई एस और आई जी में डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ से हम आई एस की वैल्यू, ओके देखो ये क्या था, आर एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है, सॉरी आर एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस मीन्स जब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लो वैल्यू रेजिस्टर पैरेलल में लगाएंगे, इस मामले में क्या कहा, शंट। तो वो शंट किसके इक्वल है, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। आई जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी आई जी क्या है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई क्या है, टोटल करंट, और फिर आई जी क्या है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये तो क्या था, वोल्ट का एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लो वैल्यू रेजिस्टर को पैरेलल ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या थी इसकी डेरिवेशन, ठीक है। अब हम करते हैं वोल्ट मीटर। ओके बेटा, एमीटर हमने पढ़ा, एमीटर क्या था, अगर गैल्वेनोमीटर को हमें वो एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लो वैल्यू रेजिस्टर लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, लो वैल्यू रेजिस्टर को पैरेलल ज्वाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं वोल्ट मीटर की तरफ, कि अगर गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करते हैं कि हाई वैल्यू रेजिस्टर लेते हैं और हाई वैल्यू रेजिस्टर को हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। सिर्फ एक चीज याद रखो, एमीटर, कि एमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को तो लो वैल्यू रेजिस्टर और लो वैल्यू रेजिस्टर को पैरेलली ज्वाइन करते हैं। वोल्ट मीटर एमीटर का अपोजिट है, कि हमने एमीटर में लो वैल्यू रेजिस्टर ली, ठीक है, तो वोल्ट मीटर में हाई वैल्यू रेजिस्टर लेंगे। लो वैल्यू रेजिस्टर पैरेलली ज्वाइन किया था, हाई वैल्यू
आरजी, करंट किसका होगा आईजी। इसके साथ पहले ही हमने लगा दिया आई वैल्यू रजिस्टर, शो कर रहे हैं हम आरएक्स से। आरएक्स क्या है? आई वैल्यू रजिस्टर, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। और इसका जो करंट इसमें से पास हो रहा है आईएक्स, ठीक क्या है? वोल्टेज की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जो वोल्टेज ये क्या शो कर रहा है? वोल्टेज ऑफ कैल्वेनोमीटर। ठीक, इस पॉइंट की बात क्या है? कैल्वेनोमीटर वोल्टेज ऑफ आई वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, कैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आई वैल्यू रजिस्टर लेंगे और कैल्वेनोमीटर के साथ लगेगा ये सीरीज। सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि हर रेजिस्टेंस से करंट तो अलग होता है, हर रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं, यहाँ भी रेजिस्टर है एक आरएक्स से आरजी, इनको सीरीज में लगाया है तो सीरीज में क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंट होगा, करंट सेम रहेगा। आरएक्स का करंट क्या है? आईएक्स। ठीक है, आरजी का करंट क्या है? आईजी। लेकिन दोनों इक्वल होंगे, इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज। ठीक है, और क्या है? आर एक्स क्या है? मल्टीप्लायर इसको कहते हैं, है के लिए हाई वैल्यू रेजिस्टर। ठीक है, और हाई वैल्यू रेजिस्टर में हमें पता है करंट सेम होता है, तो आपको ये भी बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं डेरिवेशन की तरफ कि टोटल वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या होती है सीरीज के लिए? क्या होता है? वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास V1 V2 की फॉर्म नहीं है, हमारे पास फॉर्म क्या है? Vg and Vx। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? Vg plus Vx, और V किसके इक्वल होता है? IR के। तो यहाँ हम V की जगह क्या रख देंगे? IR। V की Vg की जगह क्या आ जाएगा? Ig Rg। Vx की जगह क्या आ जाएगा? Ix Rx। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, अब कल
इंशाल्लाह हम करेंगे इसके प्रॉब्लम्स, आज थ्योरी की, कल हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम करेंगे, बल्कि कल हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कल है हमारा टेस्ट चैप्टर नंबर 15 का, थ्योरी का कल चैप्टर नंबर 15 का टेस्ट है, जब टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद में करेंगे, मैं समझाऊंगा, ठीक है। कोशिश करो कि सारे बच्चे क्लास लो, जब क्लास लो तो गूगल पे टर्न इन जरूर किया करो, चाहे मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हो लेकिन तुम्हें वहां पे जाके टर्न इन करना है, लाइट नहीं है तो जब लाइट आती है तो लेक्चर देखो, वो टर्न इन जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं। इससे पिछला दिन मैंने टेस्ट लिया बेटा, सिर्फ 38 बच्चों ने लिया, इसी तरह जो क्लास ले रहे हैं वो भी इतने बच्चे ले रहे हैं, आखिर कॉलेज तो उन लोगों को आना ही आना है ना वापस। मैंने क्या समझाया था कि टाइम पे क्लास लेगा हर बच्चा, ये समझेगा घर में नहीं तुम क्लास रूम में बैठे हो, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा, अच्छी तरह से इसको समझो पढ़ो, समझ में नहीं आता तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना।